हेलो हाय एवरीवन, मैं संगीता संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक चला हुआ है समय व्यवस्थापन। अब इससे जो अगला हमारा मतलब इसी के अंदर बिंदु है, हमने समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया था और आज हमें करना है समय व्यवस्थापन के निर्धारक। ये समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व इसके 7 स्टेप माने जाते हैं। टूल्स से संबंधित समय स्टेप कहा जाता है, टाइम स्टेप इसको शब्दों के नाम से जानते हैं, जिसको निर्धारक तत्व जो कि 7 है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। आपके सिलेबस में तो इन 7 का जिक्र नहीं है, लेकिन ये 7 ही शब्द क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये 7 स्टेप के ऊपर जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व कितने हैं, कितने स्टेप में माने जाते हैं। तो ये 7 स्टेप कहलाते हैं समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व, जिसमें इनके नाम है, ये आपको सबको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। पहला है समय मूल्य, समय मानक, समय क्रम, पीक लोड के नाम से आपका दे रखा है, हिंदी में इसको कहा जाता है अतिरिक्त भार, कार्य भार और कार्य वक्र, जीवन चक्र और विश्राम काल। ये आपके 7 स्टेप है जो निर्धारक तत्व के नाम से समय व्यवस्थापन को निर्धारित करने में इन 7 तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। अब इनमें हम एक एक करके अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो दे रखा है कि कार्य वक्र क्या होता है। तो यहाँ मैंने आपको कार्य वक्र के बारे में और आपको एक गृहिणी का पूरे दिन का जो कार्य वक्र होता है उसका चित्र डायग्राम है जो आपको बना के बता रखा है। कई बार प्रश्न है इसी डायग्राम को देते हुए पूछा जाता है, इनके ऊपर निशान वगैरह लगाए हुए होते हैं और पूछा जाता है कि इसमें पीक लोड क्या है। तो ये आपका एक स्टेप दे रखा है, पीक लोड कौन सा है, इनके ऊपर बिंदु दे दिए जाते हैं ABCD करके। तो पीक लोड का आपको बिंदु है वो ढूंढना होता है। तो यहाँ पे जो पीक लोड बताया गया है, ये आपका जो वक्र है इस बिंदु के ऊपर क्या है, सर्वाधिक भार दिखाया गया है। तो ये ही क्या कहलाता है, आपका पीक लोड कहलाता है। तो मैं आपको इस कार्य वक्र के बारे में आपको बताती हूँ। कार्य वक्र, वक्र का मतलब एक डायग्राम। कार्य जो हम पूरे दिन के अंतर्गत एक प्रतिक्रिया के रूप में करते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो उस समय से हमारे घर के कार्य है वो शुरू होते हैं और उन कार्यों का इस डायग्राम से है वो संबंध बताया गया है। यहाँ पे देखो इस साइड में है दे रखा है वो कार्य शक्ति दे रखी है कि आपके कार्य करने की शक्ति है किस समय सर्वाधिक होती है। यहाँ पे आपका समय दे रखा है जिसमें सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम और रात्रि, ये 4 भागों के अंतर्गत आपके समय को विभाजित किया गया है। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि आपका जो गृहिणी का समय है वो सुबह उठने के साथ उसका शुरू होता है और एक सीमा ऐसी आती है जहाँ पे ये वक्र है वो अपने अधिकतम बिंदु के ऊपर होता है और फिर धीरे 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 ये दोपहर का जैसे जैसे समय आता है ये वक्र आपका नीचे गिरता जाता है और फिर वापस ये वक्र है आपका उठता जाता है और वापस ये नीचे घटते हुए रात्रि के समय है ये घटते हुए क्रम में व्यवस्थित हो जाता है और एक सीमा पे ये निश्चित होता है जो आपके सोने की अवधि को स्पष्ट कर रहा है। और ये दोपहर का समय जो आपका विश्राम काल के नाम से जाना जाता है, एक टॉपिक दे रखा है आपका विश्राम काल। तो पीक लोड की एक परिभाषा दी है मैंने, ये पहले कार्य वक्र की दी है, पीक लोड की आपको बताती हूँ। कार्य वक्र क्या है, कार्य वक्र बताया गया है वह वक्र होता है जिसमें किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों के भार के वितरण की जानकारी मिलती है। कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि एक गृहिणी का वह वक्र है जिसमें
एक परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार का वितरण उसकी जानकारी देने वाले वक्र को हम क्या कहेंगे, कार्य वक्र कहेंगे। तो ये हमारा जो पांचवा स्टेप बताया गया है कार्य वक्र, ये एक गृहिणी यानी एक परिवार हो गया। एक परिवार का जो कार्य वक्र होता है वो गृहिणी के ऊपर ही निर्धारित होता है, क्योंकि घर के जितनी भी प्रतिक्रिया संबंधी कार्य होते हैं वो एक गृहिणी के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। तो ये एक गृहिणी का कार्य वक्र कहलाता है, जो एक दिन के सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक के कार्यों की जानकारी है वो एक वक्र के माध्यम से आपको दे रही है, इसीलिए इसको एक कार्य वक्र कहा गया है। सुबह का समय होता है वो महिला के कार्य वक्र का सर्वाधिक व्यस्त समय होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीक लोड कहते हैं। और पीक लोड का मतलब क्या है, ये भी परिभाषा दी है मैंने, एक निश्चित अवधि में एक साथ एक से अधिक कार्यों को पूरा करना। अब एक साथ जो सुबह महिला का कार्य होता है वो उस समय सारे कार्य उसके ऊपर एक साथ आते हैं। आपको सबको पता है जब महिला घर में उठती है तो सुबह की सफाई से लेकर खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनको तैयार करना, उनका टिफिन बनाना, अगर घर के मुखिया हैं उनको बिजनेस पे जाना है या अपनी सर्विस पे जाना है, या खुद वो सर्विस वाली काम वाली महिला है, तो उनके सारे कार्य क्या होते हैं उस सुबह के समय में, दो घंटे में उसका सर्वाधिक इम्पोर्टेंट टाइम है वो माना जाता है। तो वो जो सर्वाधिक समय, ऐसा समय जिसके ऊपर वो सर्वाधिक कार्य कर रही है, तो वो बिंदु ही उसका क्या कहलाता है, पीक लोड कहलाता है, यानी अतिरिक्त भार कार्य कहलाता है। एक समय में जो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, नौकरी वाले नौकरी पे चले जाते हैं, खुद वो नौकरी वाली है नौकरी पे चली जाती है, धीरे धीरे उसका कार्य का भार है वो घटता जाता है, एक बिंदु पर उसको सर्वाधिक कार्य करने पड़ते हैं, और वो उस समय उसकी क्या होती है, एनर्जी होती है वो भी अधिक होती है। इसका मुख्य कारण क्या है, एनर्जी इस समय आपकी जो शक्ति एनर्जी है वो सर्वाधिक है, और इस बिंदु पर आपकी जो एनर्जी, आप अगर क्षमता देखी जाए तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी का लेवल है कम है, और इस बिंदु पे एनर्जी का लेवल है वो क्या है, सर्वाधिक है, और घटते घटते आपका एनर्जी का लेवल है वो यहाँ पे इतना कम हो जाता है। यानी सुबह जो महिला सो के उठती है तो उसके अंदर खूब सारी एनर्जी होती है, और वो उस समय अपने घर के कार्यों को बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी करके और पूरा कर लेती है, और वो दो तीन घंटे लगातार काम करती है तो उसमें थकावट आ जाती है, और फिर उसको क्या चाहिए, उसकी एनर्जी का लेवल है धीरे धीरे कम होने लगता है, और ये उसका एक ऐसा काल हो जाता है जिसको उसे रेस्ट करने की आवश्यकता होती है, रेस्ट का उसका समय हो जाता है। जैसे ही वो दोपहर में अपना रेस्ट करती है, रेस्ट करने के बाद में वो रीजनरेट हो जाती है, और ये आपका शाम का बिंदु है जो इस बिंदु से कम समय को दर्शा रहा है, क्योंकि सुबह के समय हमारे यहाँ घरेलू कार्य वो सर्वाधिक होते हैं, उसमें कपड़े धोने से संबंधित कार्य, घर की सफाई से संबंधित कार्य है, ये उसके पास अतिरिक्त कार्य होते हैं, लेकिन जो शाम के समय होता है वो कार्य उसका खाली भोजन से संबंधित ही रह जाता है, उसके पास वस्त्र धोने, घर की सफाई करने या इधर उधर के कार्यों का लोड होता है वो कम देखा जाता है, और ये कार्य करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो 8 घंटे के लिए अपने समय का विश्राम काल है वो रात्रि का पूरा करती है, और वापस जनरेट होकर और वो सुबह अपने काम में वापस लग जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारा कार्य वक्र कहलाता है, और इस कार्य वक्र में जो ये बिंदु होता है ये उस महिला का पीक लोड कहलाता है। पीक लोड का मतलब अतिरिक्त भार कार्य, जिस समय के ऊपर उसके सर्वाधिक भार का समय होता है वो उसका क्या होता है, पीक लोड कहलाता है। अब एक बिंदु ये आगे दे रखा है विश्राम काल, विश्राम काल का मतलब है कि वो कार्य करके थकने के बाद जो अपना रेस्ट लेती है वो उसका रेस्ट यानी विश्राम काल कहलाता है, ताकि उसके शरीर की कार्य शक्ति है वो दोबारा उसके लिए जनरेट हो जाए और वो कार्य अपने आसानी से पूरा कर सके।
तो ये इसका विश्राम काल है, ये वाला विश्राम काल है और ये रात्रि वाला विश्राम काल है। और जो मानसिक प्रतिक्रिया होती है तो हर 40 मिनट के बाद उसको 2 मिनट का विश्राम काल करने की आवश्यकता होती है। और ये जो शारीरिक कार्य जितने अधिक होंगे उस शारीरिक कार्यों का उसे अधिक मात्रा में उसका आधा भाग, जैसे 4 घंटे आपने शारीरिक श्रम तीव्र गति से किया है तो आपको 2 घंटे है वो विश्राम काल के लेने ही पड़ेंगे, तब आपकी कार्य करने की क्षमता है वापस उसी स्पीड में उत्पन्न हो सकती है। तो ये इसका विश्राम काल हुआ। जीवन चक्र के ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि ये आपका लंबा बिंदु है, इसके अंतर्गत हमें जीवन की सारी अवस्थाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। अब हम इधर इस टॉपिक पे आते हैं, समय का क्रम और समय का मानक। समय का मानक की मैंने परिभाषा यहाँ पे लिखी है, एक क्रिया को पूरा करने में लगने वाला समय का अनुमान ही समय मानक कहलाता है। समय मानक, इनमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं, मान लो हम खाना बनाने का कार्य कर रहे हैं या सफाई का कार्य कर रहे हैं या कपड़े धोने का कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कार्य कर रहे हैं, उस एक कार्य को पूरा करने में जो हमारा अनुमानित समय होता है वो ही हमारा क्या कहलाता है, मानक समय कहलाता है। अब हमें शुरू में जब हम कोई नया नया कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में हमें क्या करना पड़ता है, अधिक समय भी लगता है उसके साथ हमारा श्रम भी लगता है। जब उस कार्य को करने में हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं तो वही कार्य करने में हमारा समय और शक्ति दोनों की खपत क्या होती है, कम होने लगती है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, समय व्यवस्थापन कहलाता है कि कम समय और शक्ति का व्यय करते हुए हमें अपने अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त करना है और कार्य की गुणवत्ता में बिल्कुल भी कमी नहीं लाना है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, समय मानक कहलाता है, यानी समय का मूल्य कितना निकल आ रहा है, कितने समय में हम कितना कार्य पूरा कर सकते हैं, ये समय का निर्धारण करना ही समय मानक कहलाता है। समय का क्रम, अब जैसे हम ये कार्य कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या देना होता है, एक क्रम देना होता है। क्रम में कौन सा कार्य हमारा सबसे महत्वपूर्ण है और अभी करना उसको जरूरी है तो उसको हम कार्य में सबसे पहले रखेंगे। किस कार्य की हमें अभी आवश्यकता नहीं है उसको हम 2 घंटे के लिए स्थगित कर सकते हैं, लास्ट में लेंगे जब हमारे पास कोई और कार्य नहीं होगा। तो यही क्या कहलाता है, समय का क्रम कहलाता है। इसको भी मैंने एक परिभाषा के तौर पे समझाया है, कार्यों का एक ऐसा क्रम देना ताकि बिना थके एक निर्धारित समय में पूरा किया जा सके, समय का क्रम कहलाता है। यानी एक लगातार कार्य करने की स्पीड है, जब तक हमें थकान की महसूस नहीं हो रही है कि हम थक चुके हैं तब तक उस कार्य को बिना थके एक क्रम में करते जाना ही क्या कहलाता है, समय क्रम कहलाता है। और जब हम थक जाते हैं तो हमें विश्राम काल की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, विश्राम काल कहलाता है। समय मूल्य, मूल्य मतलब कॉस्ट। अब समय का मूल्य क्या है, अब आपको सबको पता है कि समय क्या है, हमारा 24 घंटे का समय है जो मूल्यवान बताया गया है, मूल्यवान बताया गया है। अब इस 24 घंटे के समय का हम मूल्य कैसे पहचानेंगे, जैसे आपके 3 घंटे के समय में आप मूल्य को पहचानते हो कि 3 घंटे के समय में हमें एग्जाम देना, तो वो आपका बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होता है और वही 3 घंटे आपको मनोरंजन के लिए दे दिया जाए तो वहाँ उस कार्य का कोई मूल्य नहीं होता है, उसकी जगह आप कम या ज्यादा भी कर सकते हो। यानी समय मूल्य का मतलब है कि समय की गुणवत्ता हमारे लिए कितनी है, वो समय क्या कहलाता है, समय मूल्यवान कहलाता है। अब इस 24 घंटे को हम किस तरीके से अपने कार्यों के अंदर पूरा करके हम अपना एक नियोजित पैटर्न से समय निर्धारण कर सकते हैं, और वही समय को अगर हम मूल्य न पहचाने तो उस समय को हम इधर उधर बैठ के और अपने समय को गवा भी सकते हैं।
तो ये क्या हुआ, समय का मूल्य फर्स्ट स्टेप हुआ। समय का हमें मानक करना है, ये जानकारी देनी है कि एक समय के अंदर हमारा कितना काम होने वाला है। उस समय को हमें क्रम भी देना है कि कौन सा कार्य हमें पहले करना है, कौन सा कार्य हमें बाद करना है। एक ऐसा समय जिसके ऊपर कार्य का भार उस बिंदु पर सर्वाधिक होता है तो वो हमारा क्या होता है, पीक लोड कहलाता है। कार्य का वक्र एक पूरे समय में, एक निर्धारित समय में कह दिया जाए कि जो जो कार्य हमें करने हैं उस कार्य का एक योजना है, वो हमें तैयार करनी है। और इसके अंदर जो विश्राम काल बताया गया है वो विश्राम काल हमारा कहलाता है। अब इस समय क्रम के अंतर्गत हम अपने घर के कुछ कार्य हम दैनिक करते हैं, कुछ कार्य हम साप्ताहिक करते हैं, कुछ कार्य हम मासिक करते हैं, कुछ कार्य हम छमाही पे करते हैं और कुछ कार्य हम वार्षिक करते हैं। तो ये सारे कार्य करने के पैटर्न के अंतर्गत आ जाएगा कि समय का क्रम क्या है या समय का मूल्य क्या है, इसमें भी आप इसको बता सकते हो। और फिर आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ व्यक्तिगत कार्य भी होते हैं जो व्यक्ति के अपने पर्सनल होते हैं, कुछ पारिवारिक कार्य होते हैं। जैसे एक गृहिणी के देखा जाए कि बच्चों का पालन पोषण करना, घर का रख रखाव करना, अपने बच्चों का रख रखाव करना, अपने पति का रख रखाव करना, तो कुछ उसके पारिवारिक कार्य होते हैं और कुछ उसके स्वयं के व्यक्तिगत कार्य होते हैं जिनका यहाँ पर अलग अलग कार्यों का निर्धारण करना आवश्यक होता है। ये जीवन चक्र है, परिवार के जीवन चक्र की अवस्थाएं कितनी होती है और उन जीवन चक्र में हमारा समय है वो कौन से जीवन चक्र में सर्वाधिक हमारे पास होता है और कौन से चक्र में हम सर्वाधिक हमारे पास उसकी कमी देखी जाती है। तो ये जीवन चक्र में हमें पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं को देखना होगा। ये भी आपका, जैसे मैंने पारिवारिक आय पढ़ाया था तो उसमें मैंने परिवार के बारे में आप लोगों को नहीं बताया था, डायरेक्ट मैंने पारिवारिक आय के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हम उन पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उनको भी हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कौन सी अवस्था ऐसी होती है जिसमें महिला का कार्यभार है। उसमें भी हम ये देखेंगे कि कार्यभार है वो पीक लोड का माना गया है और कौन सी अवस्था उसका है वो रेस्ट का समय की दिखाई देती है, जिस समय उसके ऊपर कार्य का भार कम होता है। तो इस तरीके से आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है और इस डायग्राम को आपको ध्यान रखना है, कौन सा आपका रेस्ट का समय है, कौन सा आपका पीक लोड का समय है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में है, वो आपके लिए बनने वाला है। तो अच्छे से इसका अध्ययन करना, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे कर सकते हो और अगले वीडियो में मैं उसका जवाब है आपको उसके अंतर्गत है बताने का प्रयास करूँगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।